हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स भारत फाइव और भारत फाइव प्लस की, जिसमें लगा है FRP लॉक। तो इस लॉक को कैसे खोलते हैं बिना कंप्यूटर के, तो देखते हैं मेरी पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। दोस्तों, यानी कि इसका FRP बाईपास करते समय यानी कि यूट्यूब अपडेट का ऑप्शन मिल गया। तो दोस्तों, इस फोन की यानी कि पहले क्या था, यूट्यूब अपडेट से FRP बाईपास करते थे दोस्तों, अब जो वहाँ से नहीं हो रही दोस्तों, यानी कि वहाँ तक पहुँचता है फ़ोन और वहाँ से यानी कि आगे नहीं जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बताने वाले हैं यानी कि YouTube अपडेट का ऑप्शन मिलता है तो उसके फ़ोन के FRP बाईपास कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है ध्यान से, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अपनी कि अपना फ़ोन जो है वाईफाई से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, मैं अपना फ़ोन यानी कि वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है वाईफाई से कनेक्ट है। अब दोस्तों, बैक आना है बिल्कुल, यानी कि अपना फ़ोन जो है बैक कर लेना है बिल्कुल। बैक करने के बाद यानी कि इमरजेंसी का ऑप्शन दोस्तों आपको मिलेगा है, इमरजेंसी पे क्लिक करना है। इमरजेंसी पे क्लिक करने के बाद इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन पे जाना ऊपर, और दोस्तों इधर पेंसिल का ऑप्शन है, इस पे जाना है। फिर कॉन्टैक्ट पे जाना है, फिर ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाना है। फिर यानी कि माइक्रोमैक्स केयर का एक नंबर मिलेगा दोस्तों, यानी कि नंबर नहीं मिले तो एक सिम डालने, उसमें जो नंबर फिट होते हैं वो आ जाएगा। फिर दोस्तों इस पे यानी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं दिखा दूँ, पहले यानी कि मैसेज से जाके www.youtube.com लिखे करते थे हम, और यानी कि यहाँ से FRP बाईपास हो जाती थी पहले, यानी कि यूट्यूब से क्रोम खुल जाता था और क्रोम से यानी कि ऐप डाउनलोड करके यानी कि FRP बाईपास करते थे दोस्तों। अब जो वो नहीं हो रही, यानी कि यूट्यूब अपडेट का आ रहा है। तो आने के बाद दोस्तों यानी कि YouTube अपडेट आए तो बैक करना है बिल्कुल, यहीं यहाँ तक आने के बाद दोस्तों बैक करना है। बैक आने के बाद इधर देखते हैं दोस्तों, साइड में सेंड वी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, देखते हैं इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे पहले यानी कि नोट्स का ऑप्शन यहाँ दोस्तों आपको मिलेगा, नोट्स पर जाना है बिल्कुल। वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ नोट्स पर क्लिक करना है। नोट्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर इस तरीके का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ बैक करना है। बैक करने के बाद ऊपर जाना है, यहाँ इसे यानी कि सही कर देना। सही करने के बाद दोस्तों आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यानी कि शेयर पे इस पर यानी कि इस पर क्लिक करना है, और फिर सबसे नीचे वाले पे शेयर है ओरिजिनल यानी कि और शेयर है ओरिजिनल टेक्स्ट पे यानी कि क्लिक इस पर यानी कि क्लिक करना। फिर दोस्तों यहाँ पे फिर जीमेल का ऑप्शन आएगा दोस्तों, यानी कि जीमेल को दबाए रखना है, यानी कि जीमेल को दबाए रखना है कुछ टाइम के लिए। फिर एफ इन्फो पर यानी क्लिक करना है दोस्तों। एफ इन्फो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, नोटिफिकेशन पर जाना है। फिर इधर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर सेटिंग पर क्लिक करना है। फिर यहाँ थ्री डॉट मिलेंगे, थ्री डॉट पे जाना है। फिर हेल्प फीडबैक में जाना है। फिर यहाँ सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, सर्च में यानी कि सर्च में जाना है ऊपर। ये थोड़ा सा वो हो रहा है अभी दोस्तों, तो यहाँ ऊपर अब इस तरीके का जाएंगे तो यहाँ सर्च में जाना है। सर्च में यानी कि डी लिखना है, यहाँ केवल डी दबाना है और बैक कर देना है। डी देखते दोस्तों यानी कि डी दबा के यानी कि डी डिलीट और डिसेबल एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस पे यानी क्लिक करना है, इस पे मैं कर लेता हूँ, थोड़ा नेट की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों। अब कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, फिर यानी कि पहले नंबर पे टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग पे क्लिक कर देना। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने फ़ोन का जो क्रोम ब्राउज़र होता है दोस्तों, यानी कि क्रोम ब्राउज़र हमारा खुल जाएगा। और दोस्तों क्रोम ब्राउज़र तक हमें खोलना था, और फिर यहाँ एक साइड है दोस्तों बी के स्मार्टफोन यानी कि वो साइड डालनी है, और साइड डाल के यहाँ से दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है दोस्तों। यहाँ मैं साइड डाल लेता हूँ, बी के स्मार्टफोन सबसे ऊपर वाली साइड पर यानी कि क्लिक कर देना है इस साइड पर। तो इस साइड पे क्लिक कर देना। फिर दोस्तों नीचे आना है, गूगल अकाउंट बाईपास 2020 पे जाना, 9.0 पे। फिर दोस्तों नीचे आना है, यहाँ आने के बाद एक तो मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी एप्लीकेशन यानी डाउनलोड करनी है। एक तो यानी कि ये टेक्नो के ट्रिक ऐप यानी कि फ़ोन नंबर की जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यानी कि डाउनलोड करना है। तो मैं इसे डाउनलोडिंग पर लगा देता हूँ। देख सकते दोस्तों यानी कि डाउनलोड, अब सबसे नीचे आना, डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा यानी कि डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यानी कि हेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर करना है। फिर कंटिन्यू कर देना, फिर अलाउ, फिर ओके, यानी कि ये एप्लीकेशन जो है हमारे फ़ोन में यानी कि डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर दोस्तों यानी कि बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यानी कि एक तीसरे नंबर की एप्लीकेशन है, क्विक शॉर्टकट मेकर, इस एप्लीकेशन को भी यानी कि डाउनलोड कर लेना। ये 2 MB की एप्लीकेशन है वो दोस्तों, यानी कि 26 MB की एप्लीकेशन थी, नेट सही होना चाहिए और दोस्तों बहुत ही यानी कि जल्दी डाउनलोड हो जाती हैं। ये दोनों एप्लीकेशन अपने फ़ोन में यानी कि डाउनलोड करनी है, तो मैं सेव ही कर लेता हूँ।
क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन को, इसे ओके कर देना है यार। फिर ओके करने के बाद दोस्तों यानी कि ऊपर देख सकते हो दोस्तों यहाँ थ्री डॉट मिलेंगे, इस पर क्लिक करना, फिर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा यहाँ। तो थ्री डॉट में जाने के बाद यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देख सकते हो दोस्तों यानी कि दोनों एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड यानी कि क्विक शॉर्टकट मेकर हमारी डाउनलोड हो चुकी, टेक्नो केयर भी हो चुकी। सबसे पहले करना क्या है, टेक्नो केयर ट्रिक एप्लीकेशन जो है इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यानी कि इंस्टॉल करना है। फिर इसे सिक्योर कर देता हूँ मैं यहाँ से, ओके। यानी कि इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यानी कि इंस्टॉल कर लेना सबसे पहले, इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है यानी कि इंस्टॉल करना है बस। तो मैं इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यानी कि इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके बाद यानी कि क्विक शॉर्टकट मेकर जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इसे डन कर देना यानी टेक्नो के ट्रिक एप्लीकेशन को यानी डन कर देना। अब करना क्या है यानी कि क्विक शॉर्टकट मेकर जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यानी कि इंस्टॉल करना है और इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ यानी कि इंस्टॉल हो रही है हमारे फ़ोन में। तो इंस्टॉल होने के बाद यानी कि ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तो देखें दोस्तों यानी कि यहाँ एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा ऊपर वाले लाइन में, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ एप्लीकेशन का ऑप्शन है। एप्लीकेशन के ऑप्शन के बाद अब नीचे आना है यानी कि यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो सेटिंग पे यानी कि क्लिक कर देना है। सेटिंग का ऑप्शन आएगा यहाँ, इस पर यानी क्लिक कर देना है यानी कि फ़ोन की जो सेटिंग है, फिर ट्राई कर देना है यानी कि फ़ोन की जो सेटिंग है दोस्तों वो खुल जाएगी। अब खुलने के बाद दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले यानी कि सिक्योरिटी सेटिंग में जाना है। तो सिक्योरिटी सेटिंग में मैं चले जाता हूँ यहाँ, सिक्योरिटी या सिक्योरिटी सेटिंग में जाना है। फिर सेटिंग में जाने के बाद डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन मिलेगा, फिर इसे जो है डीएक्टिवेट कर देना है सबसे पहले। इसे डीएक्टिवेट करने के बाद अब आना है यानी कि ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि ऐप्स पर जाना है। फिर ऐप्स में जाने के बाद यहाँ से दो ऐप्स यानी कि डिसेबल कर देना, एक तो गूगल प्ले सर्विस और एक गूगल प्ले स्टोर, यानी कि इन्हें इन एप्लीकेशन को यानी कि डिसेबल कर देना। आप डिसेबल करने के बाद सबसे पहले यानी कि आप करना क्या है यानी कि अकाउंट में जाना है, ऐड अकाउंट में जाना है। फिर यानी कि गूगल यहाँ से दोस्तों आप करना क्या है यानी कि अपनी नई ईमेल आईडी दोस्तों यहाँ डालनी है, अगर नहीं है तो दोस्तों आप पहले बना लें, फिर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ डालें। तो देख दोस्तों कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, मैं आईडी डाल के और नेक्स्ट पासवर्ड डाल के यानी कि नेक्स्ट कर लेता हूँ। फिर इसे एग्री कर देना। अब एग्री करने के बाद दोस्तों अब करना क्या है यानी कि इसे करने के बाद दोस्तों यानी कि अपना बिल्कुल बैक आना है। बैक आने के बाद जो दो एप्लीकेशन हमने डिसेबल कर दिया यानी गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर, इन एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यानी कि इनेबल कर देना आप इस तरीके का। फिर हमारी यानी कि गूगल अकाउंट जो ऐड हो चुका है, आप दोनों एप्लीकेशन जो थी उन्हें यानी कि ऑन कर लेना। यहाँ से जाता हूँ मैं डिसेबल में चले जाता हूँ, अभी ना मैं इनेबल कर लेता हूँ यहाँ से, इसे भी यानी कि इनेबल कर लेना। अब इन्हें यानी कि इनेबल करने के बाद अब करना क्या है यानी कि अपना फ़ोन जो है यानी कि रिस्टार्ट कर देना, यानी कि फ़ोन जो है बंद करके यानी कि ऑन कर लेना। और जो हमारा फ़ोन जो दोस्तों यानी कि पहले गूगल अकाउंट पर वो रुक रहा था और वो अब नहीं रुकने का, और दोस्तों हमारा फ़ोन यानी कि ओके यानी कि बिल्कुल खुल जाएगा। तो दोस्तों यानी कि वीडियो अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करो, दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मैं दिखाता हूँ यानी कि हमारा फ़ोन यानी कि रिस्टार्ट हो चुका है, मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। पहले क्या था, गूगल अकाउंट मांग रहा था, और दोस्तों अकाउंट ऐड हमारा अब हो चुका है। अब फ़ोन जो है हमारा रुकने का नहीं है, हमारा फ़ोन यानी कि ओके खुल जाएगा। अब ओके खुलने के बाद दोस्तों अभी एक चीज़ है यानी कि जो टेक्नो के ट्रिक एप्लीकेशन थी उस एप्लीकेशन को ऑन होते यानी कि अपने फ़ोन में से इंस्टॉल कर देना है, यानी कि दोनों एप्लीकेशन जो थी उन एप्लीकेशन को यानी कि इंस्टॉल कर देना। तो हमारा फ़ोन बिल्कुल फाइनली दोस्तों खुल चुका है ओके। तो अब करना क्या, सबसे पहले यानी कि सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में से यानी कि इंस्टॉल कर देना। सेटिंग में चले जाता हूँ, और सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स में अब यहाँ से टेक्नो के ट्रिक एप्लीकेशन जो थी इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में से यानी कि इंस्टॉल कर देना। और टेक्नो के ट्रिक एप्लीकेशन वो क्विक शॉर्टकट मेकर जो एप्लीकेशन थी इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में से इंस्टॉल कर, यानी कि इसे भी यानी कि काट देना। काटने के बाद दोस्तों हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके हो जाएगा। दोस्तों आपका फ़ोन भी सही हो गया तो जरूर हमें कमेंट में बताएं, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो देखने।